यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग आए हो? आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे अगले वाले हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो अगर आप लोगों को तो पता होगा कि यार हमने जिस बॉस के भाई को यार प्रिजन से छुड़ाया था ना, उसी बॉस के भाई ने लेसर के बेस में आकर लेसर को एक तरीके से अरेस्ट कर लिया था, मतलब किडनैप कर लिया था। तो कैसे तभी मेरे पास लेसर को लाई थी और लेसर में से ये बोला था कि बेस में आ जाओ। वो जैसे ही मैं बेस में गया ना, वहां पर तो कैसे वो जो बॉस का भाई था ना, वो लेसर के ऊपर एम करके बैठा हुआ। तो कैसे अगर मैंने वहां पर ज्यादा चालूपंथी करने की कोशिश करी होती, उसके जो बॉडीगार्ड थे ना, सारे सारे जो गोले हैं वो लेसर के भेजे में डाल देते, तो कैसे यहाँ पर जो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। और वो जो ना मेरे आंखों के सामने जो है वो लेसर को लेकर जा चुका था, वो भी पता नहीं कहाँ पर ले गया। और उसने मेरे से ये कहा था कि तुमको ना लिबर्टी बैंक है, वो भी लॉस सेंटर्स में नया खुला है, उसके अंदर काफी सारा गोल्ड है, तो वो तुमको जैसे करके ना मेरे को चुरा के ला के देना है। और जैसे करके मैंने जो है पेज हैरिस से हेल्प मांगी कि यार लिबर्टी के बैंक के अंदर कैसे जाना चाहिए, और पेज हैरिस ने मेरी यार हेल्प करी। और लिबर्टी बैंक के अंदर गए और वहां पर काफी सारा जो गोल्ड है वो मैं लेके आ गया था। और अभी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे यार मैं पहले तो मैं अभी छुपा हुआ हूँ, वो भी पता नहीं यार किसके घर में। और अब यार जो पुलिस से छुप रहा था मैं, लेकिन अभी जो पुलिस है ना वो भाग चुकी है, तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर एक बार ट्रैवर को देखो भाई, ट्रैवर कहीं चढ़ के बैठा हुआ है। तो सर अभी ना वो जो बंदा है वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें बैक कॉल करूंगा, और वहां पर जाना पड़ेगा मेरे को जहां पर वो बोलेगा। अभी जल्द से देखते हैं कब तक वो जो है वो कॉल करता हूँ। ट्रैवर भाई नीचे की तरफ उतर जाए तो गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। तो सर उसका हमने काम तो कर दिया, लेकिन सर मेरे को नहीं लग रहा यार वो जो है लेसर को छोड़ेगा, क्योंकि भाई साहब हमने उसके भाई को मारा यार, इतनी आसानी से तो वो छोड़ने नहीं वाला है। तो अभी देखते हैं क्या ही सीन होता है। वो थोड़ी देर में बोल रहा था कि कॉल करके बता देगा। और यहाँ पर इतना सारा गोल्ड मैंने चुराया ना कि यार कम से कम 1,000 मिलियन डॉलर तो हो गए होगा। अभी भाई साहब यहाँ पर पार्टी शार्टी चल रही है, तेरी ऐसी की तैसी, रुको यार यहाँ पर जो ना की भैंस के डरते वरते नहीं हो गए, रुको रुको की ऐसी की तैसी भाई साहब यहाँ पर जो है इतनी मुश्किल में, और यहाँ पर तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से, मारी भैंस की। अच्छा बेटा ओवर तेरी ऐसी की तैसी, भाई साहब इतना गंदा मारा मैंने इसको, तब भी मरने के लिए राजी नहीं हो रहा। अच्छा जी ये जो मैडम जी है ये रुको रुको मैडम जी गाना बंद हो चुका है, जल्द से पहली फुर्सत में निकल लीजिए, जैसे उस बंदे का सर फाड़ा है ऐसे तुम दोनों को भी फाड़ जाएगा। मैंने इन दोनों को भगा दिया है। मतलब भाई साहब यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रखी है, यहाँ पर नाच गाना कर रहे हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा वेट और करता हूँ यहाँ पर। वो तो मैंने ट्रैवर से बोला ना, तो ट्रैवर तो भाई साहब गोली पर गोली चला जाता अंदर की तरफ, तो कोई यहाँ पर जो गोली चलती ना फिर यार पुलिस का दोबारा सीन हो जाता। तो सर अब देखते हैं वो बंदा जो है वो कब तक कॉल करता है। तो ओके गाइस यहाँ पर मेरी उस माफिया के भाई से बात हो चुकी है, और जैसे वो जो माफिया का भाई है ना वो ये बोल रहा है कि तुम्हें एक सबमरीन मारा है, और वो जो सबमरीन है ना वो काफी ज्यादा मतलब पानी के नीचे है। तो कैसे वो जो सबमरीन है इतनी ज्यादा नीचे है कि यार कोई भी ऑक्सीजन काम नहीं करने वाला। तो सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, और अभी जो है उस बंदे ने बोल दिया कि तुम जल्द से जल्दी आ जाओ, वो भी यार 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा जो लेसर का दोस्त है ना वो मार जाएगा। अभी जल्द से पहले तो गाड़ी को आगे की तरफ भगाता हूँ, और ट्रैवर यार जल्दी से नीचे की तरफ आके बैठ जाए, तू तो मजे ले रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ट्रैवर के अलग ही नखरे हैं यार। तो ओके गाइस यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ट्रैवर को मैंने बोल दिया कि यार नीचे की तरफ आगे बैठ जा, अभी जल्द से यार पेज हैरिस के पास निकलना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर मैं इतनी नीचे जाऊंगा ना पानी के अंदर, सीधी सी बात है मेरी मौत ही होनी है, क्योंकि यार इतने नीचे जो है वो ऑक्सीजन सूट भी काम नहीं कर सकते हैं। तो कहते पेज हैरिस के पास कोई ना कोई तो सॉल्यूशन हो गया होगा, तो मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ पेज हैरिस के पास। जाने का क्या फायदा, क्या पता यार वो बताई दे यहाँ से, क्योंकि यार अभी जो पेज हैरिस का जो ट्रक है ना यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, और हम जो है पैलेटो में, तो यहाँ पर जल्द से पेज हैरिस से बात करता हूँ। तो ओके गाइस यहाँ पर मेरी पेज हैरिस से बात हो चुकी है, और पेज हैरिस ये बोल रहे हैं कि यार अभी ना तुम जल्द से जल्दी जो है मेरे ट्रक में आ जाओ, क्योंकि अगर वहीं पर अच्छी तरीके से बात हो सकती है। तो अभी जल्दी से चल के देख लेते हैं क्या ही सीन है। बाकी गाइस सर हमको जैसे करके लेसर को तो बचाना पड़ेगा। तो सर मेरे को अब ये भी नहीं पता कि यार लेसर किस हालत में होगा। तो सर वो जो बंदा है ना इतने ज्यादा बुरे तरीके से मैं उसको मारने वाला हूँ ना, एक बार बस अपने हाथ में लेसर आ जाए। लेकिन सर मेरे को बात समझ नहीं आ रही कि यार लेसर तो बोल रहा था कि ये वाला जो बेस है किसी को भी नहीं पता इसके बारे में, लेकिन सर उसको कैसे पता चला भाई, ये पता करने वाली बात है, उसको पता कैसे चला? और कैसे वो बंदा आके एमिंग करके बैठा हुआ था, तो कोई नहीं उसका तो मत्था फाड़ूंगा, लेकिन कैसे ये भी हमको पता लगाना पड़ेगा। ये मैं पेजर से बोलूंगा कि अगर उसके अंडर में कोई हैकर या सीक्रेट एजेंट काम कर रहा है तो उसकी भी लोकेशन निकाल के दे, सीक्रेट एजेंट का भी कुत्ता बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो निकलते हैं पेजर्स की बताई लोकेशन पे। तो भाई अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं करता हूं 700 लाइक के लिए, तो भाई पूरा करा देना। और सर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जगह फॉलो कर सकते हो। तो जल्द से निकलता हूं मैं पेजर्स के पास। तो ओके गाइस जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पर यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधा अभी उसी जगह पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मेरे को ना पेज हैरिस से मिलने के लिए बुलाया था। और एक सेकंड में गलत आ गया क्या, मेरे को तो ऐसा कुछ लग रहा है। अब यार पेज हैरिस यार एक तो अपनी जो लोकेशन है ना वो हमेशा चेंज करती रहती है। ओके ओके तो सामने की तरफ जो है वो मेरे को पेज हैरिस का ट्रक दिख चुका है। ओ अंदर की तरफ जो है मैं गाड़ी को जल्दी से लगाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखो मतलब भाई साहब किधर किधर की तरफ से जो है इसने ट्रक को लगाया होगा। तो सबसे पहले तो उसके अंदर की तरफ निकलता हूँ और मैं ना पेज हैरिस के पास कॉल करनी पड़ेगी। ड्राइवर तो यहीं पर रुक जा, और जैसे यहाँ पर तो जल्द से पहले तो पेज हैरिस
इसके पास कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि इसका जो पीछे का ट्रंक है ना वो ओपन कर दे। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग सामने तरह देख पर यहाँ पर जो है वो ट्रक के अंदर आ चुका हूँ। अभी जल्द से अंदर की तरफ निकलता हूँ और ओ भाई भाई कितना ज़्यादा तगड़ा सीन हो रखा है। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कितनी ज़्यादा मस्त ये जो ट्रक है। अगर सर मैं जो है लैसे बोल दूँ कि ऐसे जो ट्रक है ना एक अपने लिए भी ले ले, मतलब इसको जो है हम बेस की तरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो यार पेज से बात करता हूँ और ये करने में क्या लग रही है भाई। ओके सर, आप लोग जो ये बंदा देख पा रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हैकर है। इसकी वजह से जो मिनी कार थी ना जिस जो कि यार हमने जो है एक लिबर्टी बैंक के अंदर भेजी थी, इसने वो जो गाड़ी वो डिज़ाइन विजाइन करी थी। ओके तो कैसे यहाँ पर जल्द से पेज से बात करता हूँ। तो ओके सर, यहाँ पर मेरी पेज से बात हो चुकी है और जो पेज से ना वो ये बोल रही है कि वो जो सबमरीन पर वो जो बंदा बुला रहा है, मतलब वो जो बॉस बुला रहा है, वो गाइस सर इतनी ज़्यादा नीचे है कि मतलब गाइस सर अगर कोई बंदा नॉर्मली जाएगा या कोई भी अगर ऑक्सीजन सूट पहन के जाएगा तो डेफिनेटली सीधी सी बात है उसकी जो है मौत होने वाली है। तो सर उसके पास ऐसे मतलब उस सबमरीन के अंदर ऐसे बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो सर उसके लिए या तो एक छोटी सबमरीन होनी चाहिए या गाइस सर एक तरीके का नया व्हीकल होना चाहिए। तो सर पेज हैरिस मेरे को बता रही है कि एक तुमको गाड़ी चुरानी पड़ेगी वो भी यार मिलिट्री बेस से। तो सर वो जो गाड़ी है ना वो मिलिट्री वाले यूज करते हैं वो भी गाइस सर टेररिस्टों के बेस को चेक करने के लिए। और सर वहां पर तो सर वो जो गाड़ी है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है और सर वो जो गाड़ी पूरी की पूरी कह सकते हैं पूरी सबमरीन बन सकती है। तो सर वो जो गाड़ी है वो पूरी अंडर वाटर भी चल सकती है, इतनी ज्यादा खतरनाक वो गाड़ी है। तो सर पेज हैरिस तो ये बोलिए कि वो जो गाड़ी है वो तुमको यार मिलेगी यार मिलिट्री बेस के अंदर। मिलिट्री बेस के अंदर वैसे मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यार मिलिट्री कर्नल कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जैसे लेसर के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उस सबमरीन के अंदर जाने का बस एक यही जुगाड़ है कि यार हमको उस गाड़ी की काफी ज्यादा जरूरत है। तो अभी सबसे पहले मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ और अब ये ना वो जो गाड़ी है हमको जैसे करके चुरानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ट्रक से बाहर आ चुका हूँ और अभी ना मैं ट्रैवलर से जल्दी से बोलता हूँ कि तू सारा सर जो बैग में गोल्ड रखा हुआ है ना इसको लेकर चले जा अपने बेस में, क्योंकि यार अगर मैं गोल्ड लेके जाऊँ यार मिलिट्री बेस में उस गाड़ी को चुराने के लिए तो कैसे सीधी सी बात है यार वो जो ये जो गोल्ड है ना ये तो जाएगा ही जाएगा, साथ है मेरा मूवी टूटने वाला है। तो सर अभी मेरे को कुछ नहीं पता कि यार वो जो गाड़ी है वो मिलिट्री बेस में किधर की तरफ रखी हुई है। पेज हैरिस ने बस मेरे को ये बताया कि वो जो गाड़ी तुमको मिलिट्री बेस में मिलेगी। तो अभी जल्दी से ट्रैवलर से बात करता हूँ। ट्रैवलर यार कहाँ पर चढ़ के बैठा है यार, एक तो ट्रैवलर के भी अलग ही नखरे हैं। तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पर यहाँ पर मैंने ट्रैवलर को जो है वो जो गोल्ड से भरा हुआ बैग है ना वो मैंने पकड़ा दिया है और मैंने ट्रैवलर से बोल दिया कि तू अभी साथ चल। और कैसे मैंने अभी ट्रैवलर को जो है रास्ते में अपने बेस पे छोड़ दूंगा और सर मैं जो वो तो कैसे ट्रैवलर वहाँ पर जो थोड़ा वेट करे क्योंकि मैं ट्रैवलर को बिल्कुल भी लेकर नहीं जाने वाला, वो भी मिलिट्री बेस के अंदर। तो कैसे मैंने अपने एक दोस्त को तो खो दिया है, अब मैं ट्रैवलर को दोबारा से नहीं खोना चाहता। अभी जल्द से निकलता हूँ और कैसे ये नहीं पता कि यार मिलिट्री बेस में वो जो गाड़ी वो किधर की तरफ रखी हुई है, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ सीन हुआ तो मैं बाद में फिर ट्रैवलर कॉल कर दूँ, ट्रैवलर अपना भग के जाएगा। तो कोई ना, सबसे पहले तो निकलता हूँ अपने बेस के लिए। तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग सामने तरह देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने जो ट्रैवलर है ना उससे बोल दिया है कि तू अभी थोड़ा लेसर के घर में जो है वो वेट कर ले। गाइस ये रहा लेसर का घर, बाकी तो गाइस यहाँ पर जो है मैं ट्रैवलर से बोल दूंगा बाद में। ट्रैवलर तो जल्द से उतर जा और यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा कि लेसर का घर खुल भी रहा है नहीं खुल रहा, मेरे को तो लग रहा खुल रहा होगा। तो यहाँ पर खुल ही रहा होगा यार। तो गाइस यहाँ पर मैंने ट्रैवलर से बोल दिया है कि तू अभी ना जल्दी से अंदर की तरफ थोड़ा वेट कर ले, मैं बस वो जो गाड़ी है ना वो चुरा के ले आऊँ। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सारे जो कंप्यूटर वो सोने सोने हो रखे हैं बिना लेसर के। तो ट्रैवलर तू यहाँ पर थोड़ा वेट करे, लैपटॉप कंप्यूटर रखा हुआ थोड़ा गेमिंग वेमिंग कर ले। यहाँ पर जल्द से निकलता हूँ और सीधा निकल मैं मिलिट्री बेस के अंदर। मैं सोच रहा हूँ एक मास्क भी पहन लेता हूँ, क्या पता यार कुछ लेने के देना पड़े। सीसीटीवी में अगर मेरा फेस फेस आ गया तो यहाँ पर काफी खतरनाक सीन हो जाएगा। और एक सेकंड भाई, गाड़ी में क्या हो गया भाई, इस गाड़ी का गेट कैसे खुला पड़ा है? ओके भाई पता नहीं क्या ही नशे हो गए थे इस गाड़ी को भी, अपने आप ही गेट खुल रखा था। तो कोई नहीं, सबसे पहले तो निकलता हूँ एक मास्क के शॉप पर निकल लेता हूँ, वहाँ पर मास्क वास्क खरीदते हैं और सीधा निकलता है फिर मिलिट्री बेस के अंदर। और अभी ना बिल्कुल भी मैं देरी नहीं करने वाला क्योंकि वो जो गाड़ी है वो जैसे करके हमको जो है बस चुरानी है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पाओगे लेफ्ट की तरफ जो है वो मिलिट्री बेस का एंट्रेंस है, लेकिन सर अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो सीधी सी बात है ये मेरा मुंह तोड़ देंगे। तो क्या सर यहाँ पर एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है और हर कोई अलर्ट हो जाएगा कि गाड़ी को चुराने के लिए कोई ना कोई तो आया। वैसे तो पता नहीं चले गाड़ी को चुराने के लिए, लेकिन ये मेरा मुंह से जरूर से तोड़ देंगे। और ओके तो कैसे यहाँ पर जो है मेरे को कोई और ही रास्ता देखना पड़ेगा। ओ भाई भाई ये पार कर ले गाड़ी भाई, पार कर ले। ओके यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से गाड़ी ने जो है ये नदी पार कर ली है और यहाँ पर ना इनकी एक बाउंड्री होगी, तो अगर मैं उस बाउंड्री क्रॉस कर जाऊंगा तो काफी तो बड़े सीन हो सकता है। सबसे पहले तो आग की तरफ निकलता हूं और ये जो पूरा इलाका है नहीं पूरा मिलिट्री बेस है, तो अगर मैं यहां पर स्पॉट हुआ तो यार ये जो लोग है ना मेरा मुंह तोड़ दे। ओ आराम से यहां पर जो है मैं जल्दी से आग की तरफ निकलता हूं। ओ भाई साहब, सारे में इन्होंने एक तरीके से बैरियर लगा रखे हैं, पूरी दीवार खड़ी कर रखी है ऊंची ऊंची। तो यहाँ पर जो ओ भाई साहब, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे यहाँ से ना मेरे को जो है थोड़ा दूर होना पड़ेगा। अगर इन्होंने कैमरे वैमरे में डिटेक्ट हुआ तो यहाँ पर ना काफी खतरनाक सीन हो जाएगा। पहले तो थोड़ा दूर निकलता हूँ यहाँ से और एक ना अच्छा सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो ओके गाइस, यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आ चुका हूँ, अभी जल्दी से ओ भाई भाई यहाँ पर जो गाड़ी सीधी हो जाए यार,
एक तो गाड़ी के इतने ज़्यादा नखरे हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर भाई साहब, जल्दी से जो है वो गाड़ी सीधी हो जाए बस। और मेरे को देखना पड़ेगा कि यार मैं जो है मिलिट्री बेस के अंदर कैसे एंट्री कर सकता हूँ। तो वैसे अगर मैंने ज़्यादा चालूपंथी करने की कोशिश करी यहाँ पर, तो यार ये जो लोग हैं ना मेरा मुँह तोड़ देंगे। और एक सेकेंड ऊपर की तरफ जल्दी से चढ़ता हूँ, और यार ये जो बाउंड्री हो रही है इतनी ऊँची ऊँची, तो यार यहाँ पर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है यार। पड़ेगा कि यार मैं इनको कूद सकता हूँ क्या इनके ऊपर से? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है यार इनके ऊपर से कूदना, कितनी ज़्यादा ऊंची है भाई ये। तो कोई नहीं यार, थोड़ा सा आग की तरफ और निकलते हैं, और मेरे को एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और सामने की तरफ है ना मेरे को टावर दिख रहा है, ओ अगर इसके अंदर कोई बंदा हुआ तो भाई साहब काफ़ी तो गलत सीन हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि यार यहाँ पर ना कोई बंदा वंदा नहीं है। ओके गाइस, यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगा भी देता हूँ ना, तब भी गाइस ये जो बैरियर है ना, मतलब इतनी ऊंची है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। और एक सेकंड, यहाँ पर गाइस गत्ते वत्ते रखे हुए हैं, मतलब फट्टे वट्टे रखे हुए हैं। ओ भाई भाई, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सीन हो सकता है अगर मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगा दूँ तो यार, अगर फिर तो कूदने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ओ यहाँ पर जो है मैं ऊपर की तरफ चढ़ चुका हूँ, यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है मैं चढ़ तो चुका हूँ। और एक सेकंड, यहाँ पर तो गाइस ऑलरेडी जो है मिलिट्री के सामने की तरफ मेरे को बंदे दिख रहे हैं। पहले यहाँ से आराम से कूदता हूँ। ओ मेरे को एक बंदा दिख रहा है, तो इसका जो है अगर मैंने यहाँ पर गोली चलाई तो सीधी सी बात है हर किसी को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ना एक अपने जो है औजार निकालता हूँ। ओ ये थोड़ा बहुत है, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले चुपके चुपके से निकलता हूँ, और कैसे किसी को भी यहाँ पर जो है पता नहीं चला है। बड़े प्यार प्यार से चलना पड़ेगा, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। तो वैसे इसका जो काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से सर फाड़ दिया। ओ भाई भाई, अब यहाँ पर भी एक बंदा है, कितने बंदे खड़े हैं भाई। तो गाइस जैसा कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे होगे, यहाँ पर गाइस दो बंदे हैं, और एक तो मतलब सुट्टा मार रहा है और एक एमिंग करके बैठा हुआ है। यार इसको मैंने भाई काफ़ी गलत तरीके से मारा है, मतलब तरीका तो सही है लेकिन गाइस ये इनकी नज़रों में नहीं आना चाहिए बस। तो गाइस सबसे पहले तो थोड़ा सा आगे तरफ और निकलता हूँ बड़े प्यार प्यार से। अगर मैं इसके ऊपर से कूद जाऊँ ना, तो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर सबसे पहले छुप कर देखना पड़ेगा। ओ यहाँ पर कवर लेता हूँ, आप लोग देख पा रहे होगे एक बंदा सुट्टा मार रहा है और काफ़ी सारे बंदे। ओ भाई एक बंदा ये खड़ा हुआ, एक मिलिट्री गार्ड ये खड़ा हुआ। थोड़ा सा आगे तरफ और चलते हैं। ओ तो क्या है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, वो जो मिलिट्री का बंदा है वो जा चुका है, और सामने की तरफ जो है वो ये मेरे को दो चार बंदे दिख रहे हैं। मैंने हाथ में कुल्हाड़ी रख रखी है। ओ आप भी निकलो ऐसे। तो कैसे इसका भी जो मैंने सर फाड़ दिया है, एक दो बंदे और बच रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि ट्रिगर पे उंगली नहीं गई इनकी। ओके ओके, तो एक बंदा ये रखा है, एक बंदा ये खड़ा है, इसका भी जो है मैं सर फाड़ने वाला हूँ। ओ सर जी किधर की तरफ देख रहे हो भाई, पीछे की तरफ से तुम्हारी मौत आ रही है। इसको कुछ नशे भाई, कौन से ही नशे करके रख रखे। इसका भी जो है मैंने सर फाड़ दिया काफ़ी अच्छी तरीके से, और एक दो दो बंदे और बच रहे हैं वहाँ पर, इनका भी जो है मैं काफ़ी अच्छी तरीके से कुत्ता बनाने वाला हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर पीछे पीछे की तरफ से चलना पड़ेगा। ओ अब कहीं चढ़ गया भाई मैं, तो कोई नहीं यहाँ पर सबसे पहले तो आगे आगे की तरफ निकलता हूँ, और इनको कुछ पता ही नहीं है, आराम आराम से चलना पड़ेगा। यहाँ पर दो बंदे हैं, अगर मैंने यहाँ पर कुछ चालूपंथी करने की कोशिश करी तो गाइस ये जो है ना मेरा सर फाड़ देंगे। ओ ओ ओ सर आप भी निकलो, और एक बंदा और बच रहा है, इसका भी मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जो है मैं सर फाड़ने वाला हूँ। बेटा कहाँ ध्यान है आपका, तुम्हारी मौत आ रही है। ओ लो भाई कितना गंदा मारा है। तो ओके, तो गाइस यहाँ पर जो है मेरे को ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं करना चाहिए। सामने तरफ मेरे को एक मिलिट्री की गाड़ी दिख रही है, इसी को ही लेता हूँ। और भाई सबसे पहले तो आगे आगे तरफ निकलना पड़ेगा, तो कोई शक भी नहीं करेगा कि यार मैं के मतलब घूम रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली पैदल घूमूंगा ना, तो यार डेफिनेटली सीधी सी बात है कोई ना कोई तो शक कर ही लेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो देखना पड़ेगा। और गाइस मेरे को ना एक तरीके से पेजर इसने बता दिया था कि एक है ना हैंगर में जो है वो गाड़ी खड़ी होगी। ओ एक सेकंड एक सेकंड भाई, क्या ही तोड़ दवा रहा हूँ। सामने की तरफ मेरे को जो है वो हैंगर एक दिख रहा है, इसी के अंदर यार अगर होगी तो यार काफ़ी बढ़िया सीन हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। पहले तो यार ना सबसे पहले यहाँ पर जो है गाड़ी खड़ी करता हूँ, कभी यार लेने के देर ना पड़ जाए। मैं सीधा अंदर की तरफ गाड़ी को नहीं ले जाना चाहता, यहाँ पर जो है हथियार को अंदर की तरफ। तो ओ भाई भाई ओ भाई सब, तो कोई सर बंदे काफ़ी सारे खड़े हैं और मेरे को गाड़ी दिख चुकी है, और यहाँ पर जेट वेट भी खड़े हैं। वो तो अच्छा हुआ कि बाहर की तरफ और कोई बंदे नहीं है जिनकी नज़र मेरे पड़ी नहीं है। तो ओके यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे अंदर की तरफ हैं। तो कोई सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार मेरे को जो है कैसे फाइट लेनी चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि पेजर इसने मेरे को बुलेट प्रूफ आर्मर भी दी थी और शील्ड भी दे रखी थी। ओके ओके यहाँ पर जो है सबसे पहले तो गाड़ी को अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, और उनका बेटा जी सर फाड़ना स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो यार एक दो गोली तो मेरे को लगने के चांसेस हो सकते हैं। ओके ऐसे इनकी गाड़ी से इनकी को ऊपर मारा। ओ भाई साहब, और गाड़ी मेरे को सामने की तरफ दिख चुके हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ भाई साहब यहाँ पर कहते हैं मैनेजर। ओ सर 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 सर, अच्छा जी इतने बड़े हो गए मेरे को मारोगे तो कहते हैं यहाँ पर जो है तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा जी जान तक कदम लगा लो तब भी मेरे को जो है मार नहीं पाओगे। अच्छा जी तेरी बहस क्या, तू भी निकल। बेटा गाड़ी को कुछ नहीं होनी चाहिए, गाड़ी को मैं लेके जाने वाला हूँ, तेरी ऐसी की तैसी। तो कहते हैं यहाँ पर जो है तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो इसको भी जो मैंने भर दिया, आ जाओ बेटा आ जाओ, कौन चौड़ा हो रहा। ओ सर 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 एक सेकंड पहले तो यहाँ पर कवर लेता हूँ। रुको रुको रुको, तुम्हारा सर फाड़ूंगा, आ जाओ आ जाओ बेटा किधर की तरफ। ओ अबे भाई साहब, अब इनकी भैंस की आंख, इन्होंने तो भाई गाड़ी में आग लगा दी, तेरी ऐसी की तैसी। तू भी निकल बेटा, आप भी निकल। तो कहते हैं इसका भी जो है मैंने मत्था फाड़ दिया, आ जाओ बेटा आ जाओ, कितने
चौड़े हो रहे हो। अच्छा बेटा वर्कर तक आ रहे हैं भाई साहब, अब अबे इतना बड़ा हो गया मेरे को मारेगा। ओ भाई साहब अच्छा तो उधर यहाँ पर तो अलार्म अलार्म बच चुका है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जो है फाइट नहीं लेने वाला। यहाँ पर अपनी जो गाड़ी है वो मैं भगाता हूँ। ओ इस साइड से ओ भाई अबे रुको 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 अबे भाई गाड़ी है क्या है भाई ये, एक सेकंड। तो कहते यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को भगा दो। ओ भाई साहब तो भाई साहब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। ओ भाई भाई तो कहते पार नहीं हो पाए, वो तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट कोई नहीं गाइस, थोड़ा सा इस नाइट्रोक्स और होता ना तो गाड़ी यहाँ पर पार हो जाती है, बट कोई नहीं हम इसको अब मेन रास्ते से लेके चलने वाले हैं। ओ गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, आप लोग देख पाओगे भाई, मेरे को तो कहीं से भी ये सबमरीन गाड़ी नहीं लग रही है। अभी चल के देख लेते हैं। पेजर इसने बताया है कुछ ना कुछ तो फायदा हो गया होगा। सामने की तरफ जो है एक मेरे को जंप और दिख रही है, इसकी तरफ जो है मेरे को कूदाने वाला। ओ भाई सब लो भाई साहब यहाँ पर तो भाई साहब फेल हो गया यार, कुछ नहीं हुआ, बट कोई नहीं। एक सेकंड कहाँ फंस गया भाई मैं। ओके ओके तो कैसे यहाँ पर जो है जल्दी से आगे की तरफ निकलता। ओ मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, क्योंकि यार इनका कुछ पता नहीं क्या कब RPG लेके आ जाए। ओ एक सेकंड यार ये मेरे को रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते पे जाऊँ क्या मैं। नहीं यार ये नहीं है। ओके ये वाला रास्ता है। ओ भाई फाइनली जो है मेरे को रास्ता वो दिख चुका है। तो कैसे यहाँ पर जो मैंने गाड़ी तो चुरा लिया है, अभी जल्दी से इसको लेके निकलते हैं आराम से। मैं नहीं चाहता कि यार गाड़ी में कुछ भी डैमेज पहुँचे। ओ सर अच्छा जी इतना बड़ा हो गया, रुको रुको यहाँ पर जो ना। तो क्या यहाँ पर जल्दी से मैं आगे की तरफ निकलता हूँ। भाई साहब काफ़ी सारे जो है यहाँ पर गजर मिलिट्री वाले आ गए थे, वो तो जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और बिल्कुल भी मैं देर नहीं कर। अच्छा जी पीछे की तरफ से अबे ये कौन सी गाड़ी लेकर आ रहे भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो गजर पेजर मेरे को ये बोल रही थी कि इस गाड़ी के अंदर ना मिसाइल्स भी हैं, अभी मैं चेक करता हूँ मिसाइल्स भी हैं नहीं है। ओ एक सेकंड। ओ भाई साहब कितनी ज़्यादा तगड़ी गाड़ी है भाई, आ जाओ बेटा अब आ जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा बेटा अब मैं कुत्ता बनाने वाला हूँ, कितनी ज़्यादा खतरनाक जो है मिसाइल्स आ चुके। आ जाओ बेटा रुको रुको तेरी ऐसी की तैसी। तो कैसे आप लोग मिसाइल्स देख पा रहे बेटा, रुको रुको अपनी गाड़ी को मोड़ के आ रहा हूँ की भैंस यार बेटा बहुत चोर हो रहे हो। तो कैसे ये मैंने टारगेट किया लोग, और कैसे यहाँ पर जो है टारगेट लोग और बंदा खत्म। ओ भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक गाड़ी आप लोग देख पा रहे, पूरा मिलिट्री बेस तबाह कर दिया। आ जाओ बेटा आ जाओ तेरी ऐसी की तैसी बेटा। ओ अच्छा जी इतना बड़ा हो गया तेरी भैंस यार, दूर हो पाए तो गाड़ी को बिल्कुल साथ में चढ़ा के ला रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, गाड़ी को साइड हटाओ तो सही में। अच्छा बेटा ओ सर आप भी निकलिए यहाँ से, तो वैसे गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा पावर है। ओ सर भागो यहाँ से भाई साहब, बीच रोड में लाड़ता और उड़ाते हुए। तो वैसे ये टारगेट लॉक और बंदा खाता, रुको। तो यहाँ पर गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ गया, और इस गाड़ी के अंदर बूस्ट भी। ओ भाई साहब अब गाड़ी में आग लग गई क्या। नहीं गाड़ी में आग नहीं लगी। तो कैसे ये जो मिलिट्री वाली है तो पीछे छोड़ने के राजी नहीं हो रही। और एक सेकंड यार ये हेलीकॉप्टर में एम करूँ अगर तो हो जाएगा क्या। नहीं यार ये हेलीकॉप्टर थोड़ा ऊपर की तरफ है और गाड़ी का जो एम है ना वो हो नहीं पा रहा। ओ एक सेकंड। तो कैसे यहाँ पर नहीं हो पा रहा। तो कोई नहीं, तो कैसे आप लोगों को मैं इस गाड़ी की खास बात दिखाता हूँ। ये मेरा बूस्ट ऑन किया, गाड़ी पागल हो चुकी है। ओ भाई रुको यहाँ पर कैसे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। एक सेकंड यहाँ पर जो गाड़ी का बूस्ट ऑन और गाड़ी हवाओं से बातें करनी स्टार्ट कर देगी। ओ भाई। तो यहाँ पर जो है जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलता हूँ सीधा बिहार में अपने बेस के लिए। तो क्या जैसा कि आप लोग सामने तरफ देख पर यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को भगाते ना सीधा बिहार जो है रिपेयरिंग शॉप पर पहुँच चुका हूँ, और जहाँ पर ना पहले तो उसका कलर वलर चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये ना मिलिट्री की सीक्रेट व्हीकल है, और उसे अगर पकड़े गए तो यहाँ पर जो है मौत ही होनी है। तो क्या जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे मैंने इस गाड़ी का थोड़ा कलर चेंज करा दिया है और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी करा दी है। अब गई सर अब ये जो गाड़ी है बिल्कुल ही पहचानने में नहीं आ रही है, और गई सर कितनी ज़्यादा तगड़ी गाड़ी है। और गई सर अभी ना मेरी पेजेरिस से बात हुई है, पेजेरिस बोल रही है कि इस गाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए जो है एक जो है बटन प्रेस करना पड़ेगा, और गई सर वो जो गाड़ी है पूरी सबमरीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो गई सर अभी इस गाड़ी को जल्दी से भगाता हूँ, और गई सर अभी मैं सीधा निकल रहा ट्रैवल के पास, क्योंकि ट्रैवल से सारा सारा गोल्ड हुआ और सीधा मैं निकल जाऊँगा उस सबमरीन के लिए। तो क्या जैसा कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को भगाते ना सीधा जो है लैस घर पर आ चुका हूँ, जहाँ पर जो मेरे को ट्रैवल मिलने वाला है। ओ यहाँ पर जो गाड़ी को जल्द से लगाता हूँ और उससे अंदर की तरफ निकलता हूँ। गाइस सर गाड़ी का गेट कैसे खुला रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी जल्द से मैं अंदर की तरफ निकलता हूँ और अपना बैग लेता हूँ, और उससे अभी ना लेसर को छुड़ाने के लिए जाने वाला हूँ मैं, मेरे को ट्रैवल दिख गया। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रैवल से बात करता हूँ, क्या यहाँ पर मेरी ट्रैवल से बात हो चुकी है, और कैसे मैंने जो है ना वो गोल्ड से भरा हुआ बैग ले लिया है, अभी सीधा निकलता है। और उसे उस बंदे की अभी ट्रैवल के पास कॉल आई थी, मतलब उस बॉस की, और उसे वो बोल रहा है कि माइकल को जल्द से जल्दी भेज दो, नहीं तो जो लेसर है ना उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब यार मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता, क्योंकि यार मिलिट्री बेस में गाड़ी चुराने में ना काफ़ी जो है टाइम यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। अभी सबसे पहले तो उसी गाड़ी को भगाते हैं, उससे निकलता हूँ उसी लोकेशन पे जहाँ पर वो जो बंदा ना वो अपनी सबमरीन लेके आ चुका है, पता नहीं यार क्या ही सीन है। अभी निकलता हूँ उसी तरफ, और जैसे वो जो बॉस है ना वो ये सोच रहा है कि माइकल जो है इतनी अंडरग्राउंड आ नहीं सकता और मर जाएगा, लेकिन कैसे उसको क्या पता हमारे पास कितने अच्छे अच्छे खासे दोस्त हैं, पेज हैरिस की वजह से हमने कैसे ये जो गाड़ी चुरा ली है।
तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधे ना अभी उस लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, जिस लोकेशन पर उस बॉस के मतलब माफिया बॉस ने बुलाया है। अब यहाँ जल्द से आगे की तरफ निकलता हूँ और यहाँ पर बिल्कुल भी देरी नहीं करते, क्योंकि यार अभी ना मेरे को लेसर का देखना पड़ेगा, लेसर की यार किसी ही हालत में होगा। और कैसे यहाँ पर जो है मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ, और एक सेकेंड यहाँ से किधर की तरफ जाऊँ, तुम्हारी भैंस की टांग हटाओ इस सबको, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो यहाँ पर जो है तोड़ ताड़ के मैं आगे की तरफ बढ़ चुका हूँ, और आगे की तरफ आप लोग जो समुंदर देख पा रहे हो ना, इस समुंदर के अंदर जो है ना वो सबमरीन है, और उस सबमरीन में जो है मेरे को जाना है। अब यहाँ से पहले तो एक बार स्विच करते हैं, और आप लोग एक बार मैं स्विच करके दिखाता हूँ। ओ भाई साहब, कितनी ज़्यादा तगड़ी है जो है सबमरीन बन चुकी है, आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा एडवांस है। मैंने बोस लगा दिया है, और अभी आप लोग देख पा रहे कितनी ज़्यादा तगड़ी जो है ये सबमरीन बन चुकी है। भाई भाई अंदर की तरफ चलो यार, ये क्या ही है जिस कोई गजर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सीन हो रखा है। आप लोग देख पा रहे हो भाई कितनी ज़्यादा मस्त जो है सबमरीन लग रही है। एक तो यार इतनी ज़्यादा जो है ना, मतलब यार लहरें आ रही है ना, ओ नीचे की तरफ हम आ चुके हैं। अब लोग आप लोग नीचे की तरफ जो है नज़ारे देख पा रहे हो, कितनी ज़्यादा बढ़िया ही चलती हुई दिख रही है। यहाँ पर गए सबसे पहले तो आगे की तरफ निकलना पड़ेगा, और बूस्ट लगा के निकलते हैं। तो गए उसने लेसर को यहाँ पर क्यों रखा है यार, ये तो मेरे को नहीं समझ आ रहा, लेकिन गए उसकी जो प्लानिंग है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन गए हमारे पास भी काफ़ी तगड़े तगड़े हैकर है भाई, लेसर को तो छुड़ा लूँगा, साथ में इसका मुँह तोड़ गाऊँगा। उस सामने की तरफ जो है ना मेरे को याच भी दिख रही है, बट याच व्याच छोड़ते हैं। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग नीचे की तरफ देख पा रहे हो यार, मेरे को वो जो सबमरीन है वो दिख चुकी है। अभी जल्दी से तो उस गाड़ी को नीचे की तरफ लेके चलते हैं। ओ ओ एक सेकंड भाई, गाड़ी नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रही है? ओके गाइस, यहाँ पर जो है मैं गाड़ी को नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, और भाई सब कितनी ज़्यादा नीचे ये सबमरीन है। सर ये जो माफिया का बॉस था ना, ये जानता था कि मैं जो है ना यहाँ पर नहीं आ सकता, तो सर इसलिए मेरे को यहाँ पर इसने बुलाया था कि यार यहाँ पर जो है माइकल खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको क्या पता कि हमारी कितनी ज़्यादा तगड़ी प्लानिंग है। आप लोग सबमरीन देख पाओगे कितनी ज़्यादा बड़ी है। ओ भाई भाई भाई, तो सर गाड़ी को ना मैं यहीं पर लगाता हूँ, गाड़ी को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, गाड़ी जो है अपने आप ही ऊपर चली जाएगी। ओ ओ एक सेकंड, तो यहाँ पर जो है मैं गाड़ी को अब जो है मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी है ना ऊपर की तरफ अपने आप ही चली जाएगी। गाड़ी को यहाँ पर जो है मैंने छोड़ दिया। ओ एक सेकंड, तो जल्द से अंदर की तरफ निकलना पड़ेगा, अगर मैं ज़्यादा लेट करा ना तो यहाँ पर सर मेरी जो है ना मौत हो सकती है। ओ ओ मैं जल्दी से चलता हूँ, ओ आराम से। तो यहाँ पर जो है तो क्या, जैसा कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे, यहाँ पर सर मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, और सामने की तरफ यार मेरे को उसका चेले दिख चुके हैं। ओ भाई भाई भाई, एम करके बैठे हुए हैं। अब भाई साहब, तुम्हारे बॉस ने बुलाया मेरे को, इनका मैं मत्था फाड़ दूंगा। अगर यहाँ पर लेसर ना होता ना, सही में मैं इनका मत्था फाड़ने वाला था। और नीचे की तरफ भी, ओ भाई भाई, आराम से कैसे यहाँ पर जो है मेरे को चलना पड़ेगा। अबे यार कितनी ज़्यादा तगड़ी सबमरीन है भाई, कितनी ज़्यादा अंडरग्राउंड थी वो। तो गाइस जैसे करके ना उस गाड़ी की वजह से मैं आ चुका हूँ, वो गाड़ी गाइस मैंने लॉक कर दी थी, उस गाड़ी को कोई भी नहीं लेके जाने वाला। ओ भाई साहब, क्या ही कंट्रोल रूम बना रखा है यहाँ पर, गाइस कोई बंदा नहीं है। आप लोग देख पा रहे होगे गाइस, यहाँ पर ना सारा का सारा मतलब डाटा शो हो रहा है। तो गाइस ये जो सबमरीन है, अब मेरे को नहीं पता कि इस बंदे के पास कैसे आई। वैसे गाइस ये जो सबमरीन होती है ना, ये मतलब मिलिट्री वाले रखते हैं। अब यार इसने मतलब मिलिट्री वाले चुराई है या कुछ कराया यार, अभी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी जल्द से आगे की तरफ निकलता हूँ, और देखना पड़ेगा इसका जो बॉस है वो किधर की तरफ है, और इसने लेसर को कहाँ पर ही बंदे बना रखा है। ओ नीचे की तरफ जाने का मेरे को रास्ता दिख चुका है, अभी जल्द चलता हूँ। वैसे तो गाइस अभी ना मैं सीधे चलते जा रहा हूँ जहाँ पर ये सबमरीन मेरे को ले जा रही है। ओके गाइस, यहाँ पर जो है आगे की तरफ भी एक रास्ता है यार, ये तो जिमी विमिंग का सामान है। मतलब भाई यार पूरे एक तरीके से सब कुछ जो है यहाँ पर रख रखा है। ओके ये भी रास्ता है क्या? ओके गाइस, यहाँ पर जो है मैं जल्दी से आगे की तरफ निकलता हूँ। मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, अजीब अजीब सी ना आवाज़ें भी आ रही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाइस यहाँ पर जो मैं लेसर कहीं पर ढूंढूँगा यार, बताने के लिए भी राजी। ओ भाई भाई साइड हो जा भाई यार, एक तो जोड़ में खड़ा है, मैं क्या सोच रहा हूँ ना इसको बजा दूँ क्या? ओ भाई साहब, तो यार ये करंट कैसे लगा? ओ भाई यार, तो गाइस आप लोग अंदर की तरफ देख पा रहे होगे लेसर अंदर की तरफ, ये ओ भाई भाई यार ये करंट कैसा है भाई, कितना ज़्यादा खतरनाक करंट है। और एक सेकंड अंदर की तरफ निकलता हूँ, लोग अंदर की तरफ जो है वो मेरे को उसका बॉस दिख चुका है, और यहाँ पर जो काफ़ी सारे इसके चेले भी हैं। तो मैं जल्दी से सब बात करता हूँ, लेसर को लेकर जल्द से निकलते हैं यहाँ से। इसका गोल्ड यार मेरे पास है, जल्दी से इसका गोल्ड भी दे देता हूँ। तो ओके गाइस, यहाँ पर मेरे इसके बॉस से बात हो चुकी है, और गाइस सारा का सारा जो गोल्ड है ना, गोल्ड से भरा हुआ जो बैग है मैं नीचे की तरफ रख दिया है। तो गाइस ये जो बॉस है ये बोल रहा है कि अगर तुमने यहाँ पर थोड़ी सी भी चालूपंती करने की कोशिश करी तो तुम्हारा जो लेसर फ्रेंड है वो अंदर की तरफ ही मर जाएगा, केज के अंदर ही मर जाएगा। और गाइस ये जो आप लोग करंट देख पा रहे हो ना, ये बोल रहा है कि अगर तुमने इसमें एक भी हाथ लगाया, थोड़ा सा भी टच हुआ, तो गाइस पूरा ये जो अंदर की तरफ है ना करंट से, मतलब पूरा इधर से इलेक्ट्रिसिटी से जो है लेसर ईजिली मर जाएगा। और ये बोल रहा है कि बिल्कुल भी चालूपंती करने की कोशिश यहाँ पर मत करना।
और ये बोल रहा है कि तुम्हें अभी तो मेरे अंडर में काफी सारे काम करने हैं। तो सर ये बोल रहा है कि तुमने मेरे भाई को मार के बिल्कुल भी अच्छे नहीं किया है, अब तुम्हारे जो दोस्त का वो तो खत्म होकर रहेगा। तो सर इसने हमसे पूरा का पूरा जो लिबर्टी बैंक है ना वो भी खाली करवा दिया, और पता नहीं यार अब ये लेस्टर को जो है वो कब तक ही छोड़ेगा। तो सर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि यार हम जो है वो लेस्टर को कैसे बचा सकते हैं। और सर अभी जो ये बंदा है ना, ये जो बॉस है, ये बोल रहा है कि तुम्हें अब मेरा काम और करना है और ये अभी मेरे को और काम बताने वाला है। तो गाइस इसके लिए ना एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेस्टर को जैसे करके तो बचाना ही पड़ेगा। लेकिन गाइस ये जो करंट है ना, मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाह रहा इस करंट पे, नहीं तो लेस्टर की जान को खतरा है काफी ज्यादा। तो यार आप लोग बताना कि यार इस बंदे के साथ, इस माफी के साथ क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस यार आज की वीडियो के लिए बस रखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ उसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।